इमाम ताऊस रहमहुल्ला मशहूर साहिब इलम शख्सियत गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मस्जिद हराम में बैतुल्लाह के करीब मौजूद था, रात का वक्त था, इतने में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन मस्जिद हराम में दाखिल हुए, तो मैंने सोचा कि ये अहले बैत के एक सालेह शख्सियत हैं, बरगुजीदा शख्सियत हैं, तो मैं आज देखता हूँ कि इनके इबादत की कैफियत क्या है या ये दुआ किस तरह करते हैं। चुनाचे जब हज़रत अली बिन हुसैन सजदे में गए तो इमाम ताऊस कहते हैं कि मैंने कान लगाकर सुनना शुरू किया तो वो इन अल्फाज के साथ मुनाजात कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि इलाही उबैदुका बिफिनाइका, साइलू का बिफिनाइका, फ़कीरू का बिफिनाइका, मिस्कीनों का बिफिनाइका, कि ऐ रब्बल आलमीन तेरा एक मामूली बंदा तेरी चौखट पर है, तुझसे सवाल करने वाला तेरे दरवाजे पर है, तेरा फकीर तेरे दरवाजे पर है और तेरे दर का मिस्कीन तेरे दरवाजे पर है। इमाम ताऊस कहते हैं कि मैंने ये कलिमात सुन लिए और इनको याद किया और फिर जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई मैं इन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह से दुआ करता था और हमेशा अल्लाह ने इन कलिमात की बरकत से मेरी मुश्किल को हल किया। तो ये मुबारक कलिमात हैं, सबको याद करने चाहिए, उबैदुका बिफिनाइका, कि या अल्लाह तेरा मामूली बंदा तेरे दरवाजे पर है, तेरी चौखट पर है, फिना सहन को कहते हैं, तेरी चौखट पर है, मिस्कीनों का भी फिनाइका, तेरा मिस्कीन बंदा तेरे दरवाजे पर है, साइनों का भी फिनाइका, तेरा सवाली तेरे दरवाजे पर है, फ़कीरों का भी फिनाइका और तेरा फ़कीर या अल्लाह तेरे दरवाजे पर है। तो इन कलिमात में अल्लाह ने ये बरकत रखी है कि अगर कोई शख्स इन कलिमात के साथ अल्लाह जल्ल जलालुहु से कोई दुआ करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो ये हज़रत